हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक वायरल रील्स वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। तो गाइस, उस वीडियो को मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर रिव्यू में आपने ये वीडियो देखी है फ्रेंड्स, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है फ्रेंड्स। इस वीडियो की मैं आपको लाइक्स भी दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ से कि अभी आप स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये इस वीडियो पर 1.9 मिलियन लाइक्स अभी तक आ चुकी है गाइस। यही नहीं, इसी तरीके की काफी सारे रील्स भी वायरल हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने फोटो से पहले इस वीडियो को ऐड करके और बाद में अपने फोटो में ऐड कर सकते हैं और उनमें इफेक्ट्स और जो भी इसमें इफेक्ट लगता है वो इफेक्ट आप लगा सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और इस वीडियो देखकर आपकी ये ट्रेंडिंग रील्स वायरल रील्स क्रिएट हो जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए न्यू से न्यू वायरल रील्स की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाता रहता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, अब यहाँ पर मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको इस वायरल रील्स की एडिटिंग के लिए अपने फ़ोन में एक VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसे आप सिंपल तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं, VN वीडियो एडिटर। अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जैसे ही इसको ओपन किया तो मैंने इस एप्लीकेशन से काफ़ी सारे रील्स भी एडिटिंग कर रखी है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ रील्स की एडिटिंग के लिए, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। देन अब यहाँ पर आपको एक वीडियो को ऐड करना गाइस, ठीक है। जिस वीडियो को आप ऐड करने वाले हैं उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं इस 5 सेकेंड की वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर ये 5 सेकंड की वीडियो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद इस एप्लीकेशन के लोगो को डिलीट कर देना है और यहाँ से अब आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करना है। प्लस पर क्लिक करना है, वीडियो फोटो पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको अपने फोटो को ऐड करने के लिए फोटोज पर क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ से आपको अपने फोटो सिलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं अपने 4 फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 4 फोटोज सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद सबसे पहले इसमें आपको ऑडियो ऐड करनी है, म्यूजिक पर क्लिक करना है। म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और 3rd नंबर पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको एक 8 सेकंड की वीडियो की ऑडियो को ऐड करना है। अब जिसकी ऑडियो मैं ऐड करने वाला हूँ उसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल तरीके से इसकी ऑडियो को ऐड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑडियो ऐड करने के लिए ओके पर क्लिक करना है, चूज पर क्लिक करना है और नीचे राइट पर क्लिक कर देना है। अब हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑडियो भी ऐड हो चुकी है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको अपने फोटोज की लेयर को इक्वल में कर लेना है। तो फर्स्ट फोटो की लेयर को आपको करना है गाइस 70। फर्स्ट वाले लेयर के जो फोटो है आपको उसको आपको 75 कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने 75 कर लिया। अब आपको सेकेंड वाले फोटो की लेयर को करना है 35। अब यहाँ पर 35 नहीं दिख रहा, 2 फिंगर की मदद से थोड़ा इसका जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से एडिट हम कर सकते हैं। अब देखिए हमारी 35 लेयर ये हो चुकी है, 35, 36 कोई नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने सेकंड वाले फोटो की लेयर रखनी है 25। इसकी लेयर रख लेते, यहाँ पर 25 हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपने इस वाले फोटो की लेयर रखनी है 60। यहाँ पर मैंने इसकी लेयर रख लेता हूँ गाइस, 60 मैंने यहाँ पर इसकी लेयर रख ली। अब यहाँ पर आपको अपने 2 फोटो और ऐड करने हैं। प्लस पर क्लिक करना, फोटो वीडियो पर क्लिक करना है, फोटोज़ पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको अपने 2 फोटो और ऐड कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी 2 फोटो को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको इन वाले फोटोज़ की लेयर रखनी है गाइस, इस फोटो की लेयर रखनी है आपको 35। अब यहाँ पर ठीक से गाइस, मैं यहाँ पर आपको डबल लेयर में करके दिखा देता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एडिटिंग करते वक्त, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको अपने इस वाले फोटो की लेयर भी रख लेनी है, इसको आपको एंड तक कर देना है यहाँ तक। अब मैं आपको इसको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो वीडियो आपने 5 सेकंड की एड करी थी इसकी आपको ऑडियो को कम कर देना है, वॉल्यूम पर क्लिक करना है और इसकी वॉल्यूम को आपको 0 कर देना है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, नहीं तो आपकी वॉल्यूम जो है डबल आएगी अगर आप इसकी वॉल्यूम को कम नहीं करते हैं।
तो गाइज आपने यहाँ पर देखा कितनी सिंपल तरीके से हमने ओनली 4 फोटो में, गाइज अगर आप चाहें तो 5 वाला फोटो जो आपने ऐड करा था लास्ट वाले फोटो को आप डिलीट कर सकते हैं और इसी के आपको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि आपके यहाँ पर 5 फोटो में कितनी सिंपल तरीके से ये वीडियो एडिट हो चुकी है। अब आपको इसमें इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। गाइज इसमें आपको कोई भी इफेक्ट्स नहीं लगाना है, कोई भी फिल्टर नहीं लगाना, सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और आपको ये वीडियो गैलरी में सेव कर लेनी है। राइट पर क्लिक करने होगा, विदाउट किसी प्रॉब्लम के आपकी ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। सो देखा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कितनी सिंपल तरीके से इस वायरल रील्स को क्रिएट कर लिया। गाइस अगर आपको कोई भी इंस्टाग्राम पर वायरल रील्स की एडिटिंग चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर उस वीडियो को सेंड कर सकते हैं जिस वीडियो की आप एडिटिंग कराना चाहते हैं। मैं आपकी उस वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।